वेल इट वॉज़ अ वेरी फैबुलस एक्सपीरियंस. जब मुझे वीनस से कॉल आया और कहा गया कि चंपक जी मिलना चाहते हैं, मैंने कहा सीरियसली? तब मैं ऑफिस गई, उनसे मिली, उन्होंने मुझे गाना सुनाया और जैसे ही मैंने गाना सुनाया लाइक बहुत मेलोडी सॉन्ग है एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर द सॉन्ग. चंपक जी और ने मुझे अजय और लवल कॉलेसिस के डायरेक्टर उनसे मुलाकात कराई. फिर उसके बाद उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और ऑडिशन लेने के बाद में उन्होंने डिसाइड कर लिया ओके आई एम द ड्रीम गर्ल. और उसके बाद में हमने वीडियो बहुत खूबसूरती से शूट किया. मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा जैसे कि मैं बाबू जी की ड्रीम गर्ल हूँ इसमें, तो ड्रीम के हिसाब से आई वॉज ट्रीटेड लाइक अ प्रिंसेस ऑन द सेट. मतलब सबने मुझे बहुत पैम्पर किया एंड इट वॉज लाइक अ ड्रीम रोल फॉर मी. कहते कि सपने पूरे नहीं होते हैं लेकिन मेरा सपना यहाँ पर वीनस, चंपक जी और मेरे डायरेक्टर्स ने पूरा किया. तो मैं सबको बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी इसके लिए. और एक्चुअली जैसे ही हमने शुरुआत की शूटिंग के लिए, तो द वेरी फर्स्ट डे मतलब सारे एक्सपीरियंस इतने अच्छे हुए और सारी शूटिंग इतनी अच्छी स्मूथली हुई हमारी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. पता ही चला कि कब दिन शुरू हुआ और कब दिन ख़त्म हो गया. मतलब सब लोग ने इतनी तारीफ और मतलब मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है, ये मेरा डेब्यू एल्बम है और मेरा ये सपना था कि मैं जब भी करूँ कुछ अच्छा धमाका करूँ. तो जैसे ये वीनस का नाम सुनते हैं आप, बाबू जी का नाम सुनते हैं, तो आप मतलब आपको लगता है अरे ये सपना आपका हकीकत में हो रहा है. तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. वीनस जैसा कि आप जानते हैं इज सच अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री और इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स को प्रमोट करते हैं, नया टैलेंट इन्होंने लॉन्च किया है. तो जब मुझे ऑफर किया गया था आई वाज लाइक ओके मैं डेब्यू कर रही हूँ तो वीनस के साथ करूँगी और इतने सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स इन्होंने दिए हैं तो क्यों नहीं यहाँ से शुरुआत की जाए. और मुझे इतना खूबसूरत और मेरे ख्याल से वीनस के अलावा कोई दिखा भी नहीं सकता. नहीं एक्चुअली मुझे सभी ने हेल्प किया, सबने बहुत पैकअप किया. जैसे मैंने कहा मेरे डायरेक्टर्स इतने हेल्पफुल थे कि मुझे वायलिन कैसे पकड़ते वो भी नहीं आता था, तो उन्होंने मुझे लिटरली ऐसे ओके ऐसे ज्योति पकड़ते हैं और इसे ऐसे बजाते हैं. तो वो सब सारी जो चीज़ें वो आपको यादें रह जाती है कि आपका फर्स्ट शॉट कैसा रहा और आपने कितना इन्जॉय किया वो मोमेंट. तो द फर्स्ट डे ऑफ माई शूट और जो फर्स्ट वायलिन वाला शॉट था वो हमेशा मुझे याद रहेगा एंड दैट वॉज द बेस्ट मोमेंट. अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी हमने आज पहला सॉन्ग ये एल्बम का लॉन्च किया है और काफ़ी सारे खूबसूरत और भी सॉन्ग्स हैं जो मेरे ख्याल से वीनस और सोच रहे हैं कि हम आगे शूटिंग करेंगे उसकी. उसके अलावा और दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ लेकिन अभी फिलहाल मेरे डायरेक्टर्स ने मना किया है तो आई कॉन्ट रिवील मच अबाउट इट बट दैट विल बी हैपनिंग वेरी सून. ओ यार डेफिनेटली एनी टाइम मतलब वीनस मुझे जस्ट कॉल करे एंड आई एम देयर फॉर देम. कभी भी कॉल करें मैं हमेशा उनके साथ काम करने के लिए वैसे ही हमेशा रेडी रहती हूँ. लेकिन इतनी खूबसूरत वीडियो के बाद डेफिनेटली इट्स ऑलवेज अ येस एंड एवरी टाइम आई प्लीज़ से नो टू पायरेसी. यही रिक्वेस्ट है वीनस की तरफ से, मेरी तरफ से और बाबू जी की तरफ से कि प्लीज़ जो भी सुने ओरिजिनल सुने जिससे ये मेलोडी हमेशा आगे फ्यूचर में भी ऐसी ही बनी रहे. थैंक यू. प्लीज़ वॉच दिस सॉन्ग ओनली ऑन YouTube/Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.